सर आपको विश्वास नहीं होगा सर, सर इंटरनेट पे से एक आर्टिकल मिला है, डॉक्टर रॉनी किडी ने लिखा हुआ है सर, ये फिनलैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं सर। सर इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वियतनाम की लड़ाई में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की गर्दनों में एक ऐसा माइक्रोचिप लगाया हुआ था जिसे रैम्बो चिप कहते हैं। सोल्जर जब लड़ते लड़ते थक जाता था तो दूर किसी बड़े कंप्यूटर से सिग्नल भेजा जाता था जो सैटेलाइट से होते हुए सोल्जर की गर्दन में लगे हुए माइक्रोचिप तक पहुंचता था और अचानक सोल्जर के खून में एड्रेनलिन दौड़ने लगता और सोल्जर जोश में आकर के फिर से लड़ाई लड़ने लगता। मतलब इस माइक्रोचिप से आदमी का बिहेवियर बदला जा सकता है, उनसे कुछ गलत काम कराया जा सकता है। हाँ, और शायद मर्डर करने के बाद आदमी को याद भी नहीं रहे कि उसने क्या किया है। सर ये दूसरा लड़का मरा है, ये भी शायद घर से गायब हुआ होगा, तो शायद इसका नाम भी हमें मिसिंग पर्सन ब्यूरो में से मिल सकता है। हाँ ढूंढो जल्दी से जल्दी। सर अभिजीत का सोचना सही था, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में से ये दूसरे लड़के का रिकॉर्ड मिल गया। सर ये लड़का 3 साल पहले अपने घर से गायब हुआ था और सर ये भी सेंटर कुछ से ही गायब हुआ था। और सर चौंका देने वाली बात ये है कि ये भी जुलाई 99 में ही गायब हुआ था, उसी समय जब उत्कर्ष अपने घर से गायब हुआ था। सर इन दोनों लड़कों को एक ही आदमी ने गायब किया होगा। चलो अभिमन्यु के घर चलते हैं, उसके माँ बाप से मिलते हैं, शायद वहीं से हमें उस आदमी का पता चल जाएगा। वो कौन आदमी था अभिमन्यु ने कभी बताया नहीं। हाँ सिर्फ इतना कहा था कि मेरा एक नया दोस्त बना है, बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उस नए दोस्त को कभी देखा नहीं आपने? जी नहीं, अभिमन्यु हमेशा उससे बार में मिला करता था। बार में? बार में क्यों? क्या बताऊं साहब, उस नए दोस्त ने हमारे बेटे को पीना सिखा दिया था, अभिमन्यु बियर पीने लगा था। इसी उम्र में बिगड़ते हैं बच्चे, आपको रोकना चाहिए था उसे। हमने बहुत कोशिश की मगर वो माना नहीं। एक दिन वो इसी दोस्त को मिलने के लिए गया, फिर कभी वापस नहीं आया। अच्छा आप इस लड़के को पहचानते हैं? नहीं, कौन है ये? क्या ये भी गायब है? हाँ, और इसे भी बियर पीने की बुरी आदत पड़ गई थी। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहाँ पे? और दूसरा? ठीक है अभिजीत सर, उत्कर्ष और अभिमन्यु जैसे दो और लड़के बाजार में घूम रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। एक तो श्रीबाग में, वहां मैं जाता हूँ, और दूसरा लोखंडवाला में है। हमारे पहुंचने से पहले कहीं वो भाग ना जाए, दूसरी बात यह है कि हमारे पहुंचने से पहले कहीं वो मर ना जाए, ये भी एक बात है। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है क्या? केलकर रोड पे एक लड़का घूम रहा है, पैसे लूट रहा है। ओके ओके ठीक है सुधाकर, पेट्रिक्स सर तुम लोग रास्ते में उतर जाओ और सीधे केलकर रोड पे जाओ, वहां भी हंगामा हो गया है, एक लड़का घूम रहा है गन लेके। ये 5वां है, पता नहीं और कितने होंगे। हेलो सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है, कहां पे? अंधेरी में, हम लोग भी अंधेरी में ही है। ओके ओके हम लोग जाते हैं वहां पे सर, इधर ही ले लो, यहां भी एक लड़का घूम रहा है कल ले। अरे भाई पैसे तो दे रहा हूं, गोली क्यों चला रहे हो? अरे भाई पैसे दे रहा हूं, गोली क्यों चला रहे हो भाई? गन शॉट नीचे, मुझे नीछे छोड़ दो, मुझे गन ले लो, गन ले लो, छोड़ दो छोड़ दो, उठ उठ जा, छोड़ दो छोड़ दो। एक मिनट छोड़, भी अपने आप से बात करते, कभी मुझसे बात करते। चार और चार 10 नहीं हो सकते, समझे? वैसा ही की जैसे पहले, दो और दो 5 होते। इसके गर्दन में भी माइक्रोचिप लगा हुआ है, इसलिए मैं पैसे कभी नहीं ला सकता। इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं जल्दी से जल्दी इसका माइक्रोचिप निकालना होगा, कंडीशन में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी, नहीं तुम ये रुको, शाम को ब्यूरो में आ जाइएगा, समझे? टेक केयर। डॉक्टर आपको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, माइक्रोचिप कभी भी फट सकता है। सर माइक्रोचिप ऐसी जगह पे लगा हुआ है कि मेरे हाथ लगाने से भी ये मर सकता है। डॉक्टर माइक्रोचिप अगर फट गया तो ये वैसे ही मर जाएगा। फिर भी सर ऑपरेशन करने में बहुत खतरा है सर। प्लीज डॉक्टर आपको ऑपरेशन करना ही होगा। मैंने मिसिंग पर्सन ब्यूरो में से इस लड़के की फाइल ढूंढ निकाली है, इसके माँ बाप ने इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये लड़का भी 3 साल पहले गायब हुआ था और वो भी सांता क्रूज से,
जहां से वो दो लड़के गायब हुए थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहा है लड़के को बचाने की। सर तीन दिन में हमें तीसरा लड़का मिला है जिसके कान के पीछे माइक्रोचिप लगी हुई है। तीन चार तो मार्केट में घूम रहे हैं। ये अचानक कहां से निकल आए इतने सारे लोग? घर से तो ये लोग सर तीन साल से गायब हैं। तो अभी क्यों दिखने लगे ये लोग? मुझे तो लगता है ये लोग कंट्रोल के बाहर हो गए हैं। जो कंप्यूटर इन्हें सिग्नल दे रहा है वही खराब हो गया होगा, इसलिए तो ये अचानक पैसे छोड़ के भाग जाते हैं, बीच में किसी से भी बातें करते हैं। और चूंकि ये उसकी बात सुन नहीं रहे हैं तो ये छोटा सा बम फोड़ के उन्हें मार देते हैं। मगर तीन साल बाद वो अचानक कैसे मिल गया आप लोगों को? हाँ, आपको मिला कहाँ पे वो? अंदर अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा है क्या? हाँ? प्लीज प्लीज आप जरा शांत हो गए यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, हमें अंदर जाने दीजिए। तुम जरा पीछे हटो। ये कैसे आवाज है? अंदर से आई है। मालूम नहीं क्या हुआ है। दया, क्या क्या हुआ होगा? वो शायद बॉटल फूट गई होगी। बॉटल फूट गई? हाँ। आप लोग जरा इस तरफ आइए, बैठिए। सॉरी एसीपी साहब, मैं उसे बचा नहीं सका। इससे नहीं बचा सकी, इससे नहीं बचा सका। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अगर आपके बेटे को बचा नहीं सके जरा इन्हें। प्लीज प्लीज तीन साल बाद फिर से लगा था कि हम बेटे का मुंह देखेंगे। देखिए भाई साहब, हमें लगता है कि किसी आदमी ने आपके बेटे को गायब करके उसे गुलाम बना लिया। किसने की हमारे बेटे की ये हालत? किसने की होगी ये हालत मेरे बेटे की? देखिए उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। आपके बेटे जैसे दो लड़के हमें और मिले थे, वो भी घर से गायब थे, और गायब होने से पहले उन्हें बियर पीने की गंदी लत पड़ गई। हमारा बेटा भी बियर पीने लगा था। वो एक आदमी से हर रोज मिल रहा था, शायद उसी ने सिखाया होगा इसे बियर पीना। यही आदमी हो सकता है वो, यही आदमी। कुछ आइडिया है आपको कहाँ बैठ के पीते थे ये लोग? हमारे घर के पास एक बार है, क्रॉस बार, शायद वहीं बैठ के पीते थे ये लोग। क्रॉस बार? अभिजीत, जिस आदमी ने इन बच्चों के दिमाग में माइक्रोचिप लगाए हैं वो कोई बेवकूफ तो होगा नहीं, वो साइंटिस्ट ही होगा ना, जिसे कंप्यूटर की और मेडिसिन की दोनों की जानकारी है। तो मैं कंप्यूटर रिसर्च सेंटर में जाके पूछताछ करता हूँ, और तुम इस क्रॉस बार पे रेड करो। जरा देखो, इन तीनों लड़कों को पहचानते हो? ये यहाँ पे आते थे। क्यों, बात क्या है, क्या पूछ रहे हैं आप? जो पूछा गया चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? लड़के यहाँ आते थे या नहीं? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा फोटो दिखाइए, शायद कुछ याद आ जाए। जरा जल्दी याद आ जाए तो अच्छा है। इसे तो शायद कभी देखा नहीं है। ये लड़के गायब हो गए, ये यहाँ बियर पीने के लिए आते थे। इसे भी नहीं देखा मैंने। यहाँ बोर्ड लगा रखा है 18 साल से कम उम्र वालों को दारू नहीं मिलेगी, पर बच्चों को दारू पिलाते हो? ध्यान से देखो फोटो। ये शायद यहाँ आता था। डॉक्टर शेखर, ये रिसर्च जो अमेरिका में हो रहा है, ये आदमियों के दिमाग में माइक्रोचिप लगाने का, आप भी वही कर रहे हैं ना यहाँ पे? लेकिन हमारे यहाँ दूसरे तरह की रिसर्च है। वो नहीं है जो आप सोच रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो लड़कों को कंट्रोल करके उन्हें गुलाम जैसा बनाया जा रहा है, वो नहीं है। पेपर में तो ये बात पूरी तरह से छपी नहीं है, कहीं पे भी गुलाम बनाने वाली बात लिखी हुई नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चल गई ये बात? वो तो मैं पढ़ते ही समझ गया था कि ये माइक्रोचिप का ही मामला है। तो फिर आपने हमें फोन क्यों नहीं किया?
ये तुम पूछताछ करते हुए यहाँ पहुंच गए तो फिर आपने देखिए आप एक एमिनेंट साइंटिस्ट से बात कर रही हैं, जरा ठीक से बात कीजिए। क्या कहने का मतलब क्या है आपका? हाँ सर, मैंने इसे यहाँ से कई बार भगाया था। मैंने इसे कहा था कि बच्चों का दारू पीना मना है, मगर ये फिर आ जाता था। अकेला आता था या साथ में और लोग भी आते थे? दो तीन लड़के और होते थे साथ में। हाँ एक आदमी भी होता था। आदमी था? आदमी? हाँ साहब, एक आदमी था। वो इन्हें अमेरिका ले जाने वाला था। अमेरिका? हाँ अमेरिका। मुझे लगा ऐसे ही फाफे मार रहा है, बच्चों के पैसों की दारू पीने के लिए उन्हें झूठ मूठ अमेरिका जाने का लालच दे रहा है। मगर देखा तो साहब पैसे वही देता था। ये आदमी अभी भी आता है यहाँ पे? सब पता है इस आदमी के बारे में। ये वही आदमी है पता? साहब ये लोग तो कब से यहाँ पे आए ही नहीं है। मालूम है ये आदमी रहता कहाँ पे है? कुछ याद है? एक दो बार पार्सल भेजा था इसके घर पे। शायद इसका एक छोटा सा बंगला है मठ पे। मठ पे छोटा सा बंगला? हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है डॉक्टर कान, थोड़े टेढ़े से आदमी थे। बात बात पे कहा करते थे दुनिया को सुधार दूंगा, हर आदमी को एक माइक्रोचिप लगा देना चाहिए, सीधे हो जाएंगे सब। माइक्रोचिप? कौन है ये साइंटिस्ट? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो अमेरिका चले गए थे, अब मालूम नहीं कि वो वापस आए कि नहीं। कब की बात है ये? करीब 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की? 3 साल पहले तो ये लड़के गायब हो गए थे, कहीं वही आदमी तो नहीं? शायद अमेरिका गया ही ना हो। हाँ अभिजीत, पता चल गया है क्या एड्रेस है? ठीक है मैं आता हूं। क्या यही है? हाँ सर। अंधेरा ही अंधेरा है। सुधाकर जरा पीछे जाके देखो। डॉक्टर कानो एस यही करे सर। वेरी गुड, मगर यहां ताला लगा हुआ है। हाँ यहां तो लगता है सालों से कोई रहता ही नहीं है सर। हाँ पीछे के दरवाजे पे भी ताला है। अच्छा आवाज कैसी है? ऊपर से आ रही है सर। पतंग है? मगर इतना लंबा पोल लगाने की क्या जरूरत है? शायद कोई झंडा फहराना चाहता होगा। नहीं ये कोई झंडा वंडा नहीं है, ये एक एरियल है। एरियल यहां से सिग्नल भेजने के लिए, हो ना हो उन लड़कों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। दरवाजा तोड़ दो। देखो इसमें क्या है। यही कहीं छुपा होगा सर, तभी तो हमला करने का इतना सामान इकट्ठा कर रखा उसने।
यहाँ पर भी ताला है। ऐसा तोड़ दो कमरे का ताला। ये आवाज कहाँ से आई? कहीं दया ने तो गोली नहीं चलाई है? सर आवाज अंदर से आई है, गोली अंदर से चली है सर। अच्छा तोड़ दो दरवाजा। सर यहाँ है। कौन है तू? डॉक्टर कानू? डॉक्टर कानू, तुम ही कर रहे हो ये सब? क्यों बर्बाद किया उन लड़कों को? सब खत्म हो गया, कंट्रोल खराब हो गया। लड़के कंट्रोल के बाहर चले गए। मेरा सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। साइंटिस्ट है कि शैतान, मासूम बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब नहीं की, उनके दिमाग में चिप लगाकर उनका दिमाग सुधारा था। वो डॉक्टर शेखर, उसने मुझे रिसर्च करने नहीं दिया। अगर वो किया होता तो दिमाग की सारी बीमारियां दूर कर देता मैं। अब तो सब खत्म हो गया, मेरा सारा रिसर्च खत्म हो गया। मुझे किसी ने एक्सपेरिमेंट करने नहीं दिया। इसीलिए तुम लोगों को लूटने लगे? पैसे खर्च किए बिना रिसर्च कैसे हो सकता है? और समाज को सुधारने के लिए रिसर्च करना जरूरी है। अच्छा किया तूने अपने आप को गोली मार दी, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.